नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा और उसके पहले तमाम सारी तैयारियां की जा रही, लगातार एक्सप्लोजन लगाने का काम यहां पे चल रहा है। बिल्डिंग में अगर बात करें तो एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। 13 अगस्त से इस पूरे दोनों टावरों में एक्सप्लोजन लगाने का काम किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच में यहां पे एक्सप्लोजन लगाया जा रहा है, चूंकि इन दोनों मार्गों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो ट्विन टावर मौजूद है। आज अगर बात करें तो नोएडा प्राधिकरण के भी तमाम सारे अधिकारी यहां पे पहुंचेंगे और आसपास की जो बिल्डिंग है वहां का मुआयना करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जब ये बिल्डिंग 28 अगस्त को धराशाही होगी तो उसके बाद जो आसपास की बिल्डिंगें हैं उनको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, उनमें किसी तरीके से डस्ट से लेकर के तमाम सारे जो पार्टिकल्स हैं वो ना पहुंचे, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के विशेष ख्याल रखा जाएगा। और इसी के लिए अगर बात करें तो आसपास की बिल्डिंगों में फाइबर शीट लगाई जा रही है, जिससे कि तमाम सारी जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वो सुरक्षित रहे। और यहां पर अगर बात करें तो लगातार ट्विन टावर में एक्सप्लोजन लगाने का काम अभी भी जारी है। पलवल से रोजाना एक्सप्लोजन आता है और यहां पर सुबह 7 बजे से लेकर के दिन ढलने से पहले तक एक्सप्लोजन लगाए जाते हैं और जैसे दिन ढलता है काम रोक दिया जाता है और फिर सारे जो बचा हुआ एक्सप्लोजन होता है उसे वापस पुलिस सुरक्षा में भेज दिया जाता है। तो फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे लगातार जो तमाम सारे इंजीनियर्स हैं, जो तमाम सारे यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लोजन लगाने का काम कर रहे हैं। 28 अगस्त को इस बिल्डिंग को दोपहर 2 बजे के बाद धराशायी किया जाएगा। 9 मिनट के अंदर ये बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी, जिसके बाद अगर बात करें तो जो बचा हुआ मलबा है उसको हटाने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल तमाम सारे जो उच्च अधिकारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो तमाम सारे विशेषज्ञ हैं वो लगातार इस बिल्डिंग में एक्सप्लोजन जो लग रहा है उसकी देखरेख कर रहे हैं और जो तमाम सारे काम चल रहे हैं भी उसकी देखरेख कर रहे हैं। आज भी अगर बात करें तो प्राधिकरण के तमाम सारे अधिकारी यहां पे आसपास की बिल्डिंगों को भी देखेंगे, मुआयना करेंगे, किसी तरीके से आसपास की बिल्डिंगों को कोई नुकसान न पहुंचे और वो पूरी तरीके से सेफ रहे। तो फिलहाल यहां पर अगर बात करें तो तैयारियां पूरी की जा रही है इस बिल्डिंग को गिराने को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अवैध निर्माण था, यह भ्रष्टाचार से यह निर्माण किया गया था और इसको धराशाही किया जाए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही लगातार प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो और इसके साथ साथ इस बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार यहां पे काम कर रहे हैं। और 28 अगस्त को वो तारीख तय की गई है जब ये बिल्डिंग धराशायी होगी और उसके पहले तमाम तरह जो कार्य हैं इसमें वो किए जा रहे हैं, खासतौर से एक्सप्लोजन लगाने का जो काम है वो किया जा रहा है, जिससे कि इस बिल्डिंग को धराशायी किया जा सके और 28 अगस्त को जब ये बिल्डिंग धराशायी होगी तो उसके बाद फिर मलबे को हटाने का काम किया जाएगा। कैमरा बीपिंग के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।